नमस्कार, आप देख रहे विराट 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ जैन। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में एंट्री के बाद सोमवार को पहला दिन है, जहां सुबह 6 बजे यात्रा की दौड़ फिर से शुरू हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं ने झालर पाटन की काली तलाई से सफर शुरू किया, जहां पहला चरण पूरा होने के बाद अब दूसरा चरण दोपहर 3 बजे के बाद शुरू होगा। वहीं राहुल यात्रा के पहले दिन 34 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। इसी दौरान पहले दिन चलते हुए यात्रा ने एक अजीब वाकया देखने को मिला, जिसके सियासी गलियारों से हर तरफ चर्चा है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में सुबह के स्टेशन में जयपुर के आदर्श नगर में से कांग्रेस विधायक रफीक खान को राहुल गांधी की फटकार का सामना करना पड़ा। राहुल के विधायक को फटकारने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के मुताबिक राहुल गांधी यात्रा में चलते हुए किसी से चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान विधायक रफीक खान ने कई बार उन्हें टोका टाकी की, जिसके बाद राहुल गांधी नाराज हो गए और उन्होंने विधायक को फटकार लगा दी। राहुल की फटकार के बाद विधायक रफीक खान ने झेप गए और राहुल गांधी से कुछ दूरी पर चलने लगे। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने रफीक खान को पीछे किया। बता दें कि राहुल गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई नेता कदम ताल कर रहे हैं। यात्रा पूर्व सीएम वसुंधरा राज के क्षेत्र से झालावाड़ से गुजर रही है। वहीं सोमवार को यात्रा का पहला चरण पूरा होने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि जिस झालावाड़ जिले के कांग्रेस पिछले चुनावों में कुछ कमाल नहीं कर पाए, लेकिन यात्रा को लेकर लोगों में उत्साह है। डोटासरा ने राहुल गांधी की तुलना गांधी से करते हुए कहा कि एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से देश को मुक्त कराया, और अब एक और गांधी आया है, राहुल गांधी, जो सबको साथ लेकर देश बचाने के लिए निकला है। वहीं सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यात्रा में नौजवानों का गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं कई NRI भी यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। सीएम ने कहा कि यह यात्रा एक संदेश है, जहां राहुल गांधी महात्मा गांधी के रास्ते पर चल रहा है। गहलोत ने बताया कि जहां से यात्रा नहीं गुजर रही, उन गांवों में भी यात्रा की चर्चा हो रही है। सीएम ने कहा कि राहुल के साथ लोगों को करवा देकर बीजेपी विचलित हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि यात्रा पहले दिन दोपहर 3:30 बजे नाहर डील और शाम 6:30 बजे झालर पाटन के चंद्रभागा चौराहा पहुंचेगी, जिसके बाद 6:30 बजे झालर पाटन में चंद्रभागा चौराहे पर राहुल गांधी एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा मिली जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी यात्रा के दौरान किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे।